मित्र आहेत माझे मिसेस डॉक्टर कीर्ती गोळवलकर, चंद्रहास गोजांग आणि सौ अनिता कोडगोळ मॅडम, योगा एक्सपर्ट. आम्ही 8 तारीख महिला दिन जो आहे, जागतिक महिला दिन, त्याच्यानिमित्त एका शिबिराचं आयोजन केलेलं आहे. हे शिबिर जे आहे ते 8 तारीख ते 15 तारीख या कालावधीमध्ये असेल. यामध्ये आपण सर्व प्रकारच्या आजारांवरती मोफत तपासणी आणि त्याच्या पुढं लागणारे जे काही उपचार असतील त्याच्यावरती पेशंट्सना सूट, भरघोस प्रकारची सूट. त्याच्यामध्ये अगदी सोनोग्राफीचे तपासणी जरी आली तरीसुद्धा आपण त्याच्यामध्ये सूट. अशा प्रकारचा हा सेंटर आपल्या शिबिराचा उद्देश असेल. 8 तारखेला महिला दिन जो आहे त्याबद्दल आपण फक्त महिलांसाठी, एक्सक्लुझिव्ह महिलांसाठी तो दिवस ठेवलेला आहे, ज्यामध्ये महिलांचे सर्व प्रकारचे आजार, अगदी पाळीच्या तक्रारीपासून ते गर्भाशयातल्या गाठी आणि PCOD आपण ज्याला म्हणतो की पॉलिसिस्टिक ओव्हरी डिसीज असा जो प्रकार आहे, याबद्दल आपण त्यांना मोफत तपासणी आणि मार्गदर्शन करणार आहोत. यामध्ये होमिओपॅथीमध्ये अतिशय चांगले आणि बरे करणारे, मुख्यतः बरे करणारे उपचार आपल्याकडे अवेलेबल असतात. तसेच योगाच्या माध्यमातून आपण त्यांना वेगळे वेगळे लाईफस्टाईल चेंजेस जे काही आहेत ते आपण त्यांना सांगू शकतो. त्यांना स्पेसिफिक त्यांच्यासाठी लागणारी आसनं जी काय ती सांगू शकतो. आणि अशा प्रकारचे आपण सेवा एक प्रकारची द्यायचा प्रयत्न करत आहोत. 8 तारीख ते 15 तारीख मोठ्या कालावधी मुद्दाम ठेवलेला आहे. कोविडच्या सिच्युएशनमध्ये एकाच दिवशी गर्दी होऊ नये म्हणून आपण 8 ते 15 असा एक कालावधी ठेवलेला आहे. 8 तारखेचा महिला दिनाचा कार्यक्रम झाला की त्यानंतर पुढचे सर्व दिवस हे वेगळ्या वेगळ्या विषयांवरती, वेगळ्या वेगळ्या आजारांवरती आपण ठेवलेले आहेत. ते जसं की अगदी सौंदर्य समस्यांपासून ते लहान मुलांचे आजार, वृद्धांचे आजार, असे प्रत्येक दिवशी वेगळ्या वेगळ्या आजारांवरती आपण मार्गदर्शन आणि तपासणी देणार आहोत. धन्यवाद. योगाचे लाती 10 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, तो लोगों को सही जानकारी मिले तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि डेंटल, होम्योपैथी और योगा, तो ये तीनों मर्ज हो जाए तो पूरा बॉडी का ट्रीटमेंट हो जाता है. सबसे ज़्यादा जैसे सर्वे हुआ है, जो भी हॉस्पिटलाइज होते हैं 78 to 80% या 80 to 90% भी आप बोल सकते हैं, सिर्फ मानसिकता की वजह से ही वो लोग बीमार. अभी सोचेंगे कि हमें शुगर, आजू बाजू वालों को जैसे कि डायबिटीज़ हुआ है तो सोचेंगे कि हमें भी हो गया है, तो वैसे सिम्टम्स फील होगा, उन्हें सिम्टम्स फील होगा तो वो सच में वो बीमार फील करने लगेंगे. एक्सरे में कुछ नहीं आएगा, ब्लड टेस्ट में कुछ नहीं आएगा, बट उन्हें फील हो रहा है, तो इसलिए उन्हें पॉजिटिवनेस बहुत ज़रूरी है. बहुत सारे बीमारियों को काउंसलिंग से भी ठीक किया जा सकता है. और कुछ भी अगर बीमारियाँ भी है, जैसे कि होम्योपैथी में भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, तो उसका सर्जरी अच्छा है या जो होम्योपैथी नेचुरल, उससे साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं होगा, तो बीमारियों का जड़ से इलाज होगा. और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे दांत सलामत रहेंगे तो हम लोग सब खा पाएंगे, तो उस पर कभी फोकस ही नहीं किया जाता एटलीस्ट. तो इसके लिए हम लोग फ्री चेकअप हम लोग करवा रहे हैं, तो उनको डिस्काउंट भी मिलेगा. जो भी अगर आपका नाम लिखाते हैं तो ट्रीटमेंट में उन्हें 40% डिस्काउंट मिलेगा. उसके साथ साथ बच्चों की सही परवरिश बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स और बच्चों की दोनों की काउंसलिंग होगी. अभी बच्चे घर पे ही है तो मोबाइल हम ना चाहते भी बिकॉज ऑफ स्टडीज़ के लिए हम लोग दे रहे हैं, तो बच्चों को सही लाइन मिले तो इसके लिए भी हम लोग क्या करें, हमारे तरफ से उन्हें टास्क दिया जाए, जैसे कि गेम. बच्चे TV देखो, जैसे कि कुछ कार्टून लग रहा है या कार्टून की मूवीज लग रहा है, कितने इंटरेस्ट से होते हैं, वो टाइम देखते हैं कि कब लगेगा, तो उससे उनकी तरह जैसे कि बच्चों के साथ बच्चा बना बनता है, तो उन्हें टास्क दिया जाएगा. घर क्लीन रखना है, आपको ऐसे करना है, आपके रिव्यू आपके पेरेंट्स देंगे और आपको प्राइजेस मिलेगा, उसके साथ साथ हमारे तरफ से सर्टिफिकेशन मिलेगा. तो ये सारा हमारा उद्देश्य है कि सब लोग हेल्थी लाइफस्टाइल रहे और पीस ऑफ माइंड. जब पीस ऑफ माइंड रहेगा तो हम अपने काम पर भी कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हैं. जैसे कि हम लोग डेली नहाते हैं, क्यों नहाते हैं, कि फ्रेश रहे, क्लीन रहे, बट इंटरनली क्या कभी हमने सोचा ही नहीं है. हमारे अंदर अचानक से बोलते नहीं डायबिटीज़ हो गया है, अचानक BP हो गया है, अचानक कभी भी लाइफ में कोई बीमारी नहीं था, बट क्या अचानक से कैंसर हो गया, अचानक नहीं रहता है, हमारे बॉडी के इंटरनल चला रहता है और हमारे बॉडी संकेत भी देता है, बट हमारे हम लोग बोलते हैं कि हमें टाइम नहीं है. हम लोग करते थे खुद के लिए, तो थोड़ा सा खुद के लिए टाइम देना है, खुद को जानना है, हेल्थी रहना है. पीस ऑफ माइंड रहेंगे तो हेल्थी भी रहेंगे और वेल्थी भी रहेंगे. थैंक यू. सांगितलं 8 तारखेपासून आपलं मोफत दंत आरोग्य शिबिर आणि मोफत आरोग्य समस्या निवारण शिबिर पण आहे. लहान मुलांच्या समस्या एकदम आबालवृद्धांच्या आणि वयोवृद्ध माणसांच्या समस्या, त्या सर्व समस्यांचे तक्रारींचे किंवा निराकरण या शिबिरामध्ये आपण मोफत करणार आहोत. त्यानंतर येणाऱ्या उपचारांवर सवलत देऊन 15 तारखेच्या नंतर अपॉइंटमेंट घेऊन आपण त्या पेशंटवर, रुग्णांवर उपचार माफक दरात करण्याचा
मनोरंजन केलेलं आहे।